नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुराग लाइव में। दोस्तों, पिछली वीडियो आपने देखी प्रयागराज संगम तट पर किस तरह से माघ मेले को मनाया जा रहा है, ये हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। अगली वीडियो ये जो है, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मेला आयोजित किया गया है, जिसमें झूले वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मेले में देखने को मिलेंगी। तो हे दोस्तों, अभी हम टहल रहे हैं यहाँ पर मेले में और हमारे पीछे जस्ट है एक बड़ा वाला झूला। हालांकि कोई मेरे साथ वहाँ पर झूलने को तैयार नहीं है क्योंकि सबको डर लगता है और मैं किसी तरह से दम बांध रहा था झूलने के लिए। मैं सोच रहा था झूलूं लेकिन जो है कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है और यहाँ पर छोटे छोटे झूले हैं, सोच रहा हूँ इसी को झूल लूँ क्योंकि बड़े वाले झूले पर तो कोई बैठेगा नहीं, इस पर हो सकता है बैठ जाए कोई। और आइए दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। हालांकि बहुत बड़े क्षेत्र में जो है मेला लगा हुआ है और काफ़ी कई तरह के जो है झूले हैं यहाँ पर। तो यही है कि आदमी को अपना जीवन चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए पीछे कैमरे में, यहाँ पर काफ़ी भिन्न भिन्न तरह के झूले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बहुत ही डेंजरस है, उस पर बैठने का जी तो नहीं कर रहा है क्योंकि इतना जो है डरावना लग रहा है देखने में ही, बस देखकर ही आनंद ले रहा हूँ। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ ढूंढ रहा हूँ जो आपको दिखाने लायक हो। बांस की लकड़ियों के बने हैंडमेड बड़े ही खूबसूरत के ऐसी चीज़ें हैं, कुछ मतलब घर में सजाने के लिए हैं, कुछ मतलब यूज के लिए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। इस तरह से मैंने आपको दिखाया संगम तट के समीप जो माघ मेले का आयोजन किया गया है, यहाँ पे तरह तरह के झूले वगैरह जो भी दुकानें थी उसको हमने अच्छे तरीके से आपको दिखाने का प्रयास किया।
वीडियो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं हमें तो वो भी कमेंट के माध्यम से हमें आप दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।